इस भगवान कृष्ण की नगरी में हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं। बगल से सम्मानित सत्य प्रकाश बाबा खबर भेजे, अभी का सत्संग लगभग 6 बजे तक होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कह दीजिए 6 बजे तक होगा। तो निवेदन है आप लोग कम से कम 6 बजे तक शांत भाव से बैठी रहेंगे, हलचल नहीं करेंगे। अगर जिनको कोई ज़रूरी काम पड़ जाए तो धीरे धीरे से जाएंगे, फिर आ जाएंगे, हलचल नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण की नगरी में हम लोगों ने भगवान श्री राम के उपदेशों को सुनी है। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और संसार के लोगों ने इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। क्यों कहा मर्यादा पुरुषोत्तम? इसलिए ये स्वयं मर्यादा में रहती थी और मर्यादा में रहने के लिए उपदेश भी क्या करती थी, और समय समय पर आम सभा बैठा करके अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देती थी। तो देखिए जो महापुरुष होते हैं उनका उपदेश सर्वकाल के लिए होता है, मतलब सब दिन के लिए होता है। इन्होंने अपने राजत्व काल में अपनी प्रजाओं से कहा था, उपदेश सिलसिले में कहा था, जो कि हम लोगों ने भी पाठ के रूप में सुना। कबू करी करुणा नर दीही देत ईश बिनु हित सनी। जब परमात्मा का असीम दया हुई तो हम जीव को मनुष्य शरीर दिए। इस मनुष्य शरीर से ही आप और हम अपने का उद्धार कर सकते हैं, और स्वर्ग चले जाने पर नहीं, यह काम नहीं होगा। प्राय सभी लोग जानते हैं भगवान राम के ही अवतार भगवान कृष्ण हैं। इन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के माध्यम से उपदेश दिया था। क्या कहा था इन्होंने? उद्धरीदात्मनात्मानम नात्मानम वशादीत आत्मभ्यात्मनो बंधो अरात्म प्रिप्रात्मन। मनुष्य अपना उद्धार आप करे, अपने को अधोगती में न डाले, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कौन मनुष्य अपना मित्र और अपना शत्रु है? भगवान कृष्ण ने ही कहा अर्जुन से, फिर दोहरा के कहा। क्या कहा? बंधुरात्मात्मनस्तस्य इन्द्रमनाथ जीते हैं अनात्म शत्रुत्ति वर्ती तात्म शत्रुवत। जिस जीव आत्मा द्वारा
मन और इंद्रों से शरीर जीता गया है, वह जीवात्मा अपने आपका मित्र है। जिस जीवात्मा के द्वारा मन और इंद्रों से शरीर जीत नहीं मन मन शरीर मरी मान इंद्रों से शरीर जीता नहीं गया है, वो आप ही अपना शत्रु है। परमात्मा तथा करके हम जो के मनुष्य शरीर दिए हैं अपना उद्धार करने के लिए, आवागमन से चक्र से छूट जाने के लिए, अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले जिस युक्ति के द्वारा हम अपने को परमात्मा में मिला सकते हैं, वो युक्ति सीखने के लिए गुरु के पास जाना होगा। तो गुरु के पास चले गए, अब करना है अपने अंदर प्रवेश करें, शरीरों को जीत ले। इसके लिए बैठने का स्थान चाहिए, पहले कहाँ बैठना चाहिए? क्या भगवान कृष्ण की लीला भूमि है? इन्होंने अर्जुन से कहा था कहाँ बैठ के जो करना चाहिए। सुचौदी से प्रतिष्ठाप्य पवित्र स्थान में बैठना चाहिए, स्थान का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कहाँ बैठ के हम योग करें जिससे कि शरीर इंद्रों को हम जीत लें, अपने परम कल्याण बना लें। सुचौदी से पवित्र स्थान में बैठिए, अगर एक जगह मन नहीं लगे दूसरी जगह बैठिए, एक कमरे में मन नहीं लगे तो दूसरे कमरे में बैठिए। तो कैसे बैठिए, बैठने कला क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन के माध्यम से, समांकार शिरोग्रीवं, मतलब बिल्कुल सीधा बैठिए, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में रही, सीधा बैठिए। भगवान कृष्ण का वचन, सीधा बैठिए। यह तो भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में कहा था, अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो बैठने में सीधा बैठिए। इस कलिकाल में हम लोग आराध्य देव क्या बोले बैठने के सिलसिले में? बहुत सरल भाषा में, कि गांव घर के माँ बहने भी जो अनपढ़ है वह भी समझ जाए कैसे बैठना चाहिए। धर गर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, कितना सरल भाषा। पीठ का रीढ़, गर्दन और सिरे एक सीध मेरी, सीधा बैठने के लिए कहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा सीधा बैठने के लिए, ऐसी बात गुरुदेव सरल भाषा में बोले सीधा बैठिए। सीधा बैठ जाए, अगर शरीर को हिलाते रहे, अपने सिर को ऐसे हिलाते रहे, देह ऐसे खुजलाते रहे, अपना उद्धार होगा? इंद्र छूटेंगे नहीं? छूटेंगे इंद्र से, नहीं छूटेंगे, अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे। तब इसके लिए गुरुदेव ने संसार के लोगों से कहा, हिल डोल तजी सूरत थिर करी। इसके बाद कहा इन्होंने प्रणव तार उगाइए, अनुभूति चीज है। प्रणव तार से मतलब हम लोग दो आंखें हैं
और दोनों आंखों से धार निकल रही है, सामद रेखा निकल रही है, अगर एक कर देंगे, जोड़ देंगे, प्रणव तार उग जाएगा, एक तरह देखने में आएगा। उसे किसी संतों ने बिंदु भी कहा है, प्रणव तार उगाइए। कैसे यह होगा? हिल डोल तजी, जरा भी हिल डोल नहीं करना होगा, तब यह काम बनेगा। तो हम लोगों को बैठ क्लास सीखना चाहिए, समय लगा के बैठना चाहिए। अब शरीर अंदर से जीतने के लिए क्या करना होगा? तो स्थूल उपासना में एक नाम का जप, एक ग्रुप का ध्यान, प्रातःकाल में कहा था। अब सूक्ष्म उपासना में तीसरों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है? ये दिशा समांतर रेखा में चल रही है, इसको कैसे जोड़ना है, इसलिए क्या करना होगा? तो वहां कुछ तो बैठने के लिए क्रिया बताइए, और कैसे देखना है यह भी बताइए। अर्जुन के माध्यम संसार लोगों को उपदेश दिए हैं। क्या कहा भगवान कृष्ण ने? दिशानव लोकयन, अगर अपने अंदर में प्रणतार को देखना चाहती हैं, प्रकाश को देखना चाहते, प्रण सुनना चाहती हैं, इधर से अलग होना चाहती हैं, तो दिशानव लोकयन मतलब क्या हो गया? दिशाओं को नहीं देखते देखना होगा। तब आप कहेंगे दिशाएं कितने हैं? जिसको छोड़ करके भगवान कृष्ण कहा देखने के लिए, दिशाएं 10 हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार हो गए। इसके चारों कोने, चार साथ 8 हो गए। ऊपर और नीचे 8 × 2 = 10 हो गए। 10 में एक भी नहीं रहे तब देखना है। हम लोग आंख बंद कर लेते हैं, अंधकार आ जाता है, अंधकार देखने का प्रयास करती है। तो जैसे अंधकार आंख बंद करिए कर लिए, क्या 10 दिशा छूट गई? तो नहीं, आंख बंद कर देख लीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने, 8 दिशा तो छूट जाएगी स्वाभाविक, लेकिन ऊपर नीचे रह जाएगा। अब क्या करें? सरकार दिशा स्थानव लोकयन, सब नहीं देखते देखना होगा। तो आंख खोल के तो सामने कोई दिशा, आंख बंद करते दो दिशा रह जाती है। अब क्या करें? इसी के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था, द्विविधि प्रेम पाते हैं, गुरु के पास जाना होगा, इस वेद को सीख ले जाना होगा, अब जो कहेंगे करने के लिए करना होगा। ये क्या बताएंगे? एक ऐसी कला बताएंगे देखने के लिए, जिस कला से देखने से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने, ऊपर नीचे सब छूट जाता है। यही असल में है ब्रह्म दीक्षा। इसी ज्ञान को सीखने के लिए हम लोगों के गुरुदेव कहाँ गए थे? अभी आप सुन रहे थे, गुरुदेव जिला स्कूल से निकले, गुरु की खोज में निकले, फिर आए तो दरिया पंथी में दीक्षा लिए। वे क्या बताए थे? मानस जप, मानस ध्यान।
एक दिन गुरुदेव एक दिन हमारी हमारे मन में हुआ जब गुरुदेव पूछे कि हजूर आप दरियापंथी में थे तो कौन मंत्र जपते थे, तो मैंने अपनी मातृभाषा में निवेदन किया हजूर आप दरिया हजूर हरिदास दरियापंथी दीक्षा ले लिए तो कौन मंत्र जपल जा रहे कौन मंत्र जपे रही है। गुरुदेव हमको बता दिए, मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, हमको बता दिए हैं कि अब मंत्र हम मैं जपता था तो यह तो अस्तुल उपासना हुआ जप हुआ मानसदान हुआ, लेकिन इसी से कल्याण नहीं होगा। अंधकार है, इस अंधकार में देखे कला गुरु बताती हैं। इसका सीखने कहाँ गए थे गुरुदेव, बाबा दीप साहब की इच्छा रहते थे अमर सिंह जी आसपा घाट है बगल मायागंज मोहल्ला है, उनके एक शिष्य रहते थे उनका नाम था राजेंद्र बाबू। उनके पास गए कैसे, जहाँ गुरु की सेवा करते थे गुरुदेव 12 बजे रात तक तो गुरु की सेवा में लगे रहते थे। इसके बाद अध्यात्म सीखने के लिए एक पुराने सत्संग धीरज लाल जी उनके पास जाते थे, 4 बजे तक अध्यात्म ज्ञान को सीखते थे संत वाले समझते थे। तब बात आई दिमाग में मान रचप मन करने से तो प्रकाश होगा नहीं, अंधारा सुनेंगे नहीं, जिज्ञासा की उन्हीं से आप हमको बता दीजिए। कहा नहीं मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको चिट्ठी लिख देता हूँ आप जाइए मागंज मोहल्ला रंजवा उनका नाम है उनके पास जाइए वे बताएंगे उनको आदेश है। अभी आए कुप्पा घाट के बगल में मोहल्ले में गए, एक वृद्ध व्यक्ति बैठी हुई थी अपने दरवाजे पर, उनसे पूछते हैं राजेंद्र घर यही है, राजेंद्र घर किधर है। कहा यही घर है। अच्छा हमको उनसे काम है, तो जिसे बोले काम है ये वृद्ध व्यक्ति पुकारती हैं, राजेंद्र के पिताजी थे पुकारती हैं, ए राजेंद्र ए राजेंद्र, अरे एक साधु बाबा आए हैं मिलना चाहती हैं। जिस आवाज़ सुने झट दौड़ के आ गए, जिस आए ने तो गुरुदेव आगे बढ़े चल छो के प्रणाम करने ख्याल से वे पीछे हट गए। आह आप साधु काम को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव बोले आप सबको काम है। क्या क्या काम है, तो चिट्ठी निकाल के उनको दिए जो धीराजा जी लिखे थे। ओ ठीक है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सुनिए यहाँ रहना पड़ेगा आपको। क्या ठीक है रहेंगे, तो करीब 6-7 दिन उनके यहाँ रहे संत ज्ञान को समझे, तब राजेंद्र बाबू एक कला बताई उनको, एक ही कला जो समुद्र रेखा में चल रही है एक कैसे किया जाएगा। तो एक एक करने की कला सीखनी पड़ती है, इसीलिए भगवान कृष्ण कहा कला सीखने के लिए गुरु के पास जाना होगा सीखना होगा। और जब इस कला को सीख के करते हैं तो करते करते क्या होता है, जो यह समुद्र रेखा चल रही है एक करने से उनके अंदर में चमक देखने आता है। पहले या काम सारी जी बात नहीं कर सकता है, चमक देख सकता है, कैसा चमक देखने में आता है, क्यों चमक देखने में आता है। तो देखिए हम लोग यह दृष्टिधार जो है यह प्रकाशमयी है, समझ रेखा में चल रही है, देख कला से जो देखते हैं समय लगा के देखते हैं तो देखते टकराती है, एक बार टकराई एक बार चमक, दो बार टकराई दो बार चमक, तीनों टकर तीन बार चमक। प्रत्येक विमानी में है छट 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 बिजली छटके, बिजली चमक के साथ दिखाई पड़ता है। अगर कोई साधक साधकाएं उसको देखती रह जाती हैं तब क्या होता है, जिसे सटती है बिंदु का उदय हो जाता है, उसी बिंदु को महापुरुषों ने कहा है परम बिंदु।
उसी बिंदु को प्रणव चरण भी कहा है। कौन देखते हैं? जो सब एक करते ये देखती हैं। कुछ सुनते भी हैं वहां पर? हाँ सुनते भी हैं। क्या सुनते हैं? बिंद में तो नाद बोल रहे सुहावनम पलटु साहब, उस बिंदु में नाद होता है। नाद, नाद से मतलब अनहद नाद। उस अनहद नाद में अनहद नाद की खोज करनी है, या खोज कौन करेगा? हम मानव कर सकती हैं, गाय में जीवा नहीं कर सकती है। गुरुदेव बाबा साहब दर्शनार्थ गए थे मायागंज मोहल्ला, सेवा में लगे थे, लिपाई पताई काम कर रहे थे। संजोग से बाबा साहब स्नान करने के आ गए, गंगा में स्नान कर आ गए। सार से बोला आती हैं, इधर आओ। हाथ मुंह धो तुरंत गए कुल्ला लेकर के। गुरुदेव बाबा साहब खड़े थे कहा सुनो सिर्फ कौन ठिकाना, तुम रहते पूर्णिया जिला में, हम रहते उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में, तैयार होके आ, आज मैं तुमको सब साधना बता दूंगा। गुरुदेव तैयार के समय पर गए, सब साधना बता दिए और बोल दिए, अभी मैं जानकारी के लिए बताया हूं, लेकिन और 10 साल क्रिया कर लेना, इसके बाद सब साधना करना। क्यों ऐसा बोले? दिशा जब स्थिर हो जाएगी, ठीक स्थिर हो जाएगी, बिंदु का उदय होगा, उस बिंदु में नाद सुनाओगे, उस नाद में अनहद नाद की खोज करनी है। अनहत नाद की खोज करनी है। अनहत नाद से मतलब जो बिना ठोकर का होता है, जो कि परमात्मा मौज उत्पन्न हुई है, उस शब्द को जो सुन लेते हैं, वो जीव की आत्मा खुल जाती है, समझ छूट करके उसकी आत्मा से खुल जाती है। प्रणाम क्या होता है इसका? आत्म आपको आप ही जाना है, और जब अपने से अपना पहचान कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, अपने परम कल्याण में बना लेता है, इसी काम को करने के लिए परमात्मा ओर से है, इस काम को करने में लग जाना चाहिए, चुकना नहीं चाहिए। जो समझ कर निकल गया, अब जो बाकी बचा है शेष आयु, अपना काम यही है, पहले अपना पहचान कीजिए, परम साक्षात्कार कीजिए, परम कल्याण अपने को बना लीजिए। समय गया फिरता नहीं, झटी करो निज काम, जो बीता से बीतिया, अहो गुरु नाम, गुरु की वाणी है, जो निकल गए वो तो निकल गई, अब जो बाकी बचा है अंतर साधना करके भीतर प्रवेश कीजिए, इंद्रों से छूटिए, सारी शरीर सब सब छूटिए, अपने परम कल्याण में बना लीजिए। 6 बज गए हैं, यही आपके सामने थोड़ा सा रखा।